شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللانة الدائمة على آداهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وهو أستقصى الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى فما تلك بجمينك يا موسى कल असाया अतवक् वह शो बेहामी वल या फ़ी मरब उखरा सद्लि अजान महतरम अभी तो गुफगू हो रही थी जिसमें अल्लाबहान तनाब मूसा को जब वही के लिए इख्तियार किया और कहा तुम मेरे नबी हो तुम मेरी रसालत और मेरे पैगाम को दुनिया तक पहुँचाओगे तो सबसे पहले वही ये किया और कहा कि अब मुसा याद रखना मैं ही खुदा शरीक हूँ मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है और मेरे अलावा किसी की इबादत मत करना उसके बाद कहा कि अगर इबादत में अवरस्तरीन इबादत करना हो और मेरी याद आए तो तुम नमाजें पढ़ लिया करो यानी अल्लाह ने तोहीद के साथ इबादत करने का सलीक़ा बताया और कहा कि हमारी इबादत किया करो फिर अल्लाह सुबहान ताल इस आयत में क़ियामत का तस्करा करते हुए इरशाद फरमा रहा है कि बेशक क़ियामत आने वाली है अकाद उखीहा ले तुजा कुल नफसम बतसआ और मैंने इरादा कर रखा है कि हम उस दिन को छुपा रखेंगे यानी उस दिन का इलम किसी के पास नहीं होगा ले तुजा कुल नफसम बे मातसआ ताकि लोगों को उनके किए की जजा और सज़ा दी जाए अजान मोहतरम इस आयत में ग़ौर करेंगे तो दो चीज़ें हैं पहली चीज़ ये है अकाद अखीहा जिसमें अल्लाह सुबहाना तदाशात फरमा रहा है अकाद उखीहा मैंने इरादा किया है कि हम क़यामत के दिन को लोगों से छुपा रखेंगे कि कब क़्यामत आने वाली है रोज़े महशर कब है रोज़े हशर कब है ये हम लोगों को दिन नहीं बताएंगे कोई तारीख़ कोई डेट हम मुन नहीं करेंगे जब मेरा दिल करेगा हम उस दिन क़्यामत बरपा कर देंगे अल्लाह सुबहाना ताल ने अपना इल्मद इल्म, वाल महमद को अता किया मगर क़यामत का इलम ही एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह ने ना जनाब महम्मद मुस्तफ़ी सल्ला वसम को दिया ना अहले नााहलेबलम को दिया हती के जनाब जब्राइल को भी नहीं अता किया जो वही खुदा लेकर रसूल इस्लाम पर नाजिल हुआ करते थे कुरान की आयत ख़ुद इस बात पर शाहिद है कि किमत का इल्म और सिर्फ़ अल्लाह अल्लाद्ला शरीक के पास है इर्शाद रब इज़्ज़त होता है यसअलून का अनस्सा पैगम्बर ये लोग आपसे सवाल करेंगे क़्यामत का दिन कब आने वाला है तो कुल आइंदा रबी तो मेरे पैगम्बर आप इनसे कह दीजिए कियामत काल सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाहद शरीफ के पास है मेरे रब के पास है यानी क़ियामत काम मूर कर दिया अल्ला ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जात के लिए किसी को क़्यामत के दिन का इम नहीं है कि कब क़्यामत आने वाली है इस आयत में एक चीज़ काबिल ग वो ये है कि अकादो कादा या कादो जब अरबी में इस्तेमाल करते हैं तो इसको अफाल मुकारबा में लेते हैं अकादा या कादो के माने होते करबा या करोबो यानी कोई चीज़ करीब होना हो जाना जैसे काद तस् तस्कुत करीब है कि गाड़ी गिर जाए अकादो करीब है कि हम मर जाएँ कादा या कादों के माने होते हैं क़रीब करना अफाल मुकारबा में से मगर यहाँ पर मुफसरीद ने कहा है अकादों का मतलब मैं करीब करता हूँ कि नहीं माने में आएगा जबकि इसका माने मुफसरिन ने कहा है अकादो यानी अना उरीदो मैंने इरादा किया है उखीहा कि मैं रोज़े कयामत को मख् रखूँगा पोशीदा रखूँगा उसके बाद कयामत के बरपा होने की वजह क्या है उसमें अल्लाह सुबहान इरशाद फरमाता है लेतुजा ताकि लोगों को जजा व सज़ा दी जाए लोगों को बदला दिया जाए कुल लो नफ्स में बेमतासा वो हर उस नफ्स के लिए हर उस इंसान के लिए हर हर उस बशर के लिए बेमातसा जो कुछ उसने किया है याद रखिएगा कि क़यामत का दिन पोशीदा है और क़यामत का इल्म किसी के पास नहीं कि क़यामत कब बरपा होने वाली है लेकिन आखिर क़यामत क्यों ज़रूरी है लो रोज़े हाश्र क्यों ज़रूरी है देखिए कि किसी भी चीज़ की उम्मीद या किसी भी चीज़ का खौफ इंसान को इस बात पर आमादा करती है कि इंसान करे जब तक किसी चीज़ की उम्मीद ना रहे या किसी चीज़ का खौफ ना रहे इंसान किसी चीज़ को ना करता है ना किसी चीज़ से परहेज़ करता है अगर अल्लाह ने इंसान को किसी चीज़ को करने का हुक्म दिया है और इसके बदले में अगर जन्नत रखी है तो इसका मतलब कि इंसान को शौक़ दिलाया है कि ये काम करे और जब शौक़ दिलाया है कि इंसान अच्छा काम करे और उसके बदले और उसके जजा में जन्नत है तो ज़रूरी है कि एक दिन मुन हो जिस दिन इसको जन्नत दी जाए लिहाजा एक दिन ऐसा होना चाहिए जो इंसान के काम और इंसान के अमल की जजा व सज़ा दी जाए इस वजह से अल्लाह ने क़यामत का दिन मुन फरमाया है उसके बाद इस आयत में अगर आप गौर करेंगे उसके बाद की आयत में तो अल्लाह सुबहान फरमार हवा हो क्यामत के ईमान से रोकेंगे मला यूमिन बेहा जो लोग क्यामत पर ईमान नहीं रखते हैं व तबाह हवा हो और उन्होंने अपने ख्वाहिशात की पैरवी की फतरदा बस वो हलाक हो गए देखें अल्लाह सुबहाना तौला ने जनाब मूसा पर जब वही नाजिल की तो आप मरहला समझे पहले अल्लाह ने जनाब मूसा के दिल से इस दुनिया के फ़िक्र को और इस दुनिया की मोहब्बत को निकाला फिर उसके बाद से मोहब्बत को निकालने के बाद अख्तियार किया कि वो उनके पैगाम को अल्लाह के रसालत को दोनों दुनिया तक पहुँचाएँगे जब अल्लाह ने उनका इकतबार कर लिया तब अल्लाह ने उन्हें इख्तियार कर लिया फिर उसके बाद पहली वज वही जो अल्लाह ने जनाब मसाफ़र नाजिल की वो ईमान ने तोहद है यानि ईमान बिल्ला है कि अल्लाह को वह दूल्ला शरीक मानो उसके बाद क्या कहा है क़ियामत की गुफ्तु कर दी है कहा कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और अल्लाह की इबादत करता है फिर हमने वादा कर रखा है हमने बता दिया है कियामत का दिन ज़रूर बे ज़रूर आने वाला है तो पहली चीज़ क्या है पहली चीज़ तोहद है कि इंसान अल्लाह को माने अल्लाह को वहद शरीक माने दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ है कयामत। देखिए दो चीज़ें एक चीज़ है असूल दीन दूसरी चीज़ है मजहब। उजहब दीन कितने हैं अभी तक हम और आप जानते हैं कि उसूल दीन पाँच हैं लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो उदीन ने फ़रमाया है दी तीन है क़यामत नबूवत, लेकिन ऊसूल मज़हब कितने हैं मजहब पाँच हैं तो अदल नबूत इमामत आखिरी है क़्यामत यहाँ पर एक तफसील बस दे दूँ कि जब हम और आप इमामत को मानते हैं तो इमामत को हम इमतदाद रसालत का नाम देते हैं यानि रसूल आदम सल्ला वम आ गए सन एक, सन ग्यारह हिजरी तक थे सन ग्यारह हिजरी से लेकर के रोज़ क़्यामत तक अल्लाह ने इमामत को रखा है जो रसूल के बाद एक इमतदाद का नाम है यानी रसूल के बाद जो तबलीग की जिम्मेदारी और लोगों को रास्त पर रखने की जिम्मेदारी इमाम की है तो रिसा, इम, इमामत इमतदाद रसालत का नाम है। ये हमारे यहाँ ज़रूरी है अगर एक इंसान अपने आप को मोमिन कहता है एक इंसान अपने आप को शिया कहता है तो ज़रूरी उसके लिए है कि वो रसालत के साथ साथ इमामत का भी इकरार करे उसके बाद एक इल्म कलाम में बहस है कि अहले सुन्नत हजरात आदल को जुज़ मानते हैं इसी में शामिल मानते हैं तौहीद में लेकिन हमारे उलमा इमामिया ने कहा है कि ईमान तोहद एक मस्तिल ईमान है मगर अल्लाह को आदिल मानना एक मस्तिल ईमान है इनशाला किसी दिन इस पर बहस कर ली जाएगी बहरहाल अल्लाह ने पहली मरतबा जो जनाब जनाब मूसा से कहा वो ये कहा है कि तुम ईमान बद रखो उसके बाद कहा है कि तुम ईमान 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 क़्यामत तुम्हारे लिए ज़रूरी है यहाँ तक तो गुफ्तु हो गई तोहिद और क़ियामत की लेकिन आप तवज्जह फरमाएँ अल्लाह ने जब रसालत की गुफ्तू की है तो रसालत की गुफ्तु मुबाशी शुरू नहीं की कर दी है फ़ौर नहीं शु, शुरू कर दी बल्कि रसालत के लिए एक तमहीद बयान की और रसालत के लिए तमहीद ये है कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुम मुझे मानते हो और हमारी इबादत करते हो और रोज़यामत का ईमान रखते हो तो ज़रूरी ये है कि यो जी ये जो ज़िंदगी तुम जीने वाले हो ये ज़िंदगी कैसे जियोगे इसमें तुम्हें तो कैसे अमल करने पड़ेंगे ताकि तुम हमारे करीब हो जाओ हमारी जन्नत हासिल कर लो तब अल्लाह ने कहा कि इस ज़िंदगी के लिए हम तुम्हारे लिए हादियान के इंतज़ाम कर दिए किए देते हैं हम तुम्हारे लिए पैगंबर का इंतज़ाम कर देते हैं हम नबी का इंतज़ाम करते हैं हम रसूल का इंतज़ाम करते हैं हम इमाम का इंतज़ाम करते हैं फिर अल्लाह ने जनाब मूसा को ख़िताब करते हुए पूछा व मा तिल का बेजमीन मूसा ए मूसा आपके हाथ में क्या है तो जनाब मूसा ने कहा काल है या असा या यवो अलह व अश्य बेहामी वलिया आरब उखरा ए खुदा मेरे हाथ में जो असा है इस असा से मैं टेक लगाता हूँ सहारा लेता हूँ व अश्य बेहान यहाँ पर मुफ्सन अश्शो का मतलब मुफ़रीन ये बयान करते हैं कि जनाब मूसा इस असा के ज़रिए से पेड़ को मारते थे और पेड़ से जब पत्तियाँ गिरती थी तो वो अपने गनम को और अपने जानवरों को देते थे इसका मतलब ये हुआ अहुशो यानी या तो बकरियों या भेड़ों को चराना हकाना और ये भी मतलब बयान किया जाता है कि पेड़ पर डंडा मारते थे असा मारते थे फिर जो उससे पत्तियाँ निकलती थी वो अपने जानवरों को दिया करती थी तो जनाब मूसा ने कहा कि हम इस असा से अपनी बकरियों के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं और इसे बहुत सारा काम करते हैं ये बहुत सारा काम करते हैं का क्या मतलब है व, 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 ए, वलिया फ़ीहा उखरा उब उखरा क्या मतलब मारिब किसे कहते हैं मारब जमा है मारब की मरब कहते हैं मकसद को एहतियाज को यानि जनाब मूसा कहते हैं हम इससे अपने लिए और भी दूसरा काम करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं मुफसरिन ने जब बयान फरमाया है कि जनाब मूसा इससे और काम और क्या काम किया करते हैं तो फरमाया कि पहला फ़ायदा इससे जनाब मूसा ये उठाते थे कि जनाब मूसा जब भी कुएं के पास जाते और वहाँ पर ना डोल पाते और ना रसिया पाते तो जनाब मूसा इसी असा को कुआँ में डालते जब ये असा कुआ में जाता तो ये डोल के शक्ल ले लेता आप इसी को जनाब मूसा खींच लिया करते थे और इसी से अपने प्याज बुझाते थे, थे ये एक उसका मकसद था दूसरा काम ये बयान करते हैं कि जनाब मूसा को जब भी रोशनी की ज़रूरत हुआ करती थी मसलन रात में अंधेरे रात में कहीं सफ़र कर रहे हैं और घुप अंधेरी रात है कहीं पर उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो जनाब मूसा इसके ज़रिए से अपने लिए रास्ता देखा करते थे यानी रोशनी का काम किया करते थे बाद मुफसरण ने कहा कि इसमें इस कदर इस रोशनी आ जाती थी कि लगता था कि दिन हो गया इस क़दर इसमें रोशनी हुआ करती थी तीसरा काम ये मुफसरन बयान फरमाते हैं कि तीसरा काम जनाब मूसा ये किया करते थे कि जब भी जनाब मूसा को बहुत ज़्यादा धूप लगती या बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती तो जनाब मूसा इस असा को ज़मीन गाड़ दिया करते और जब ज़मीन पगाड़ देते तो ये शामियाना कि जैसा फैल जाता और ख़ुद जनाब मूसा और कुछ लोग आकर इसका इससे साया किया करते थे तो तीन काम ए, आ, बताया गया फिर उसके बाद और भी बहुत सारे इससे इस्तः जनाब मूसा किया करते थे जैसे जब भी कोई जानवर इनको परेशान करता है कोई दुश्मन इनको परेशान करता तो जनाब मूसा अपनी हिफाजत इससे किया करते थे तो मारबन उखरा के ये सारे मतलब है यानी कि असा के ऐसे जनाब मूसा एक तो अपने लिए सहारा करते हैं, अपने जानवरों के लिए खाना का इंतज़ाम करते हैं, फिर उसके बाद अपने लिए रोशनी अपने लिए साया और अपने लिए पानी के इंतज़ाम करते और दीगर भी बहुत सारे काम किया करते तो अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा ए मूसा ये असा तुम्हारे हाथ में इसे फेंक दो जनाब मूसा से कहा मूसा ये जो असा तुम्हारे हाथ में इसे फेंक दो फलकहा फैजा है या हैतु उनतसा फिर जनाब मसा ने इस आशा को फेंक दिया फैजा हैतसा जनाब म इस आशा को फेंक दिया जैसे ही जनाब मसा ने इस आशा को फेंका ये आशा सांप की शक्ल में जनाब मसा के सामने खड़ा हो गया कैसा सांप मुहसरीन फरमाते हैं इस सांप की कैफियत यह थी कि इसका जिसम एक घोड़े के बराबर हो गया और इसकी आंखें आग जैसी हो गई फिर इसका चेहरा जो है इसका मुंह जो है वो घोड़े के बराबर हो गया इस क़दर इस हवलनाक और इस ख़तरनाक तरीके से जब एक छोटे ए, छोटा सा सांप का शक्ल में आया था जनाब मूसा डर गए और जनाब मूसा पीछे हटना चाहते हैं इतने मल्ला का काला खुरा वाला तखफ़ सन दो सरत हलूला अल्लाह ने जब मूसा की इस कैफ़ियत को देखा इस हालत को देखा तो अल्लाह ने कहा खुद रहा ए मूसा इस असा को पकड़ लो इस असा को ले लो वला तखब डरो नहीं इस असा सेन दो सीरत अलूला हम इस अज़दहे को ये जो तुम्हारे सामने असा अज़दहा बन गया है हम इस अज़दहे अस, को दोबारा हम असा बना देंगे तो आप तवज्जह फरमा रहे हैं जनाब मूसा के सामने वे एक असा इस शक्ल में आया तो जनाब मूसा डर गए तब अल्लाह ने कहा कि अय मूसा डरना नहीं ये एक मौजा है अल्लाह की तरफ से जनाब मूसा के लिए असा की सूरत में कि जनाब मूसा इस असा से इतने काम कर लिया करते हैं इस क़दर काम किया करते हैं ये एक मौजा है जनाब मूसा के लिए अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा अय मूसा अपने हाथ को अपने बगल में रख लो यानी अंडर आर्म रख लो जैसे जनाब मूसा ने अपने हाथ को अपने बगल में रखा और अपने इस बाज़ू से दबा दिया फिर अल्लाह ने कहा मूसा अपने हाथ को निकाल लो अब जैसे जनाब मूसा ने अपना हाथ इस अपने बगल में रखा था और जब हाथ को निकाला तो देखा कि यह हाथ एकदम से सफ़ेद हो गया दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद हो गया और इस हाथ में इस क़दर रोशनी आने लगी के दिन का वक्त था मगर लोगों ने सूरज की रोशनी में भी इसकी रोशनी को ज़्यादा महसूस किया अल्लाह अकबर जनाब मूसा को अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा है अल्लाह बता रहा है कि हम किस कदर कादिर हैं और जनाब मूसा को एक तमहिद दी जा रही है एक मुकदमा बयान किया जा रहा है मूसा अब जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ने तुम्हारे पास इस क़दर मुज़े दे रखे हैं तुम्हारे पास असा है तुम्हारे हाथों में अल्लाह ने इतनी ताक़त दे रखी है हमने तुम्हारे हाथों को यद बैदा करार दे दिया है तो अल्लाह का ये मुर्ज़ा है तो पहला मुर्जा क्या है पहला मुआजा आसा है दूसरा क्या है यद बैदा फिर अल्लाह तआला अल्ला इरशाद फरमाता है ले नूरै का मिन आयात कुबरा अल्लाह कहता एम मूसा ये जो तुमने अभी देखा है ये बहुत छोटी सी आयत है मेरी ये तुमने जो असा देखा है ये जो तुमने अपने यदा का मुशाह किया है ये हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है तुम जिस मैदान में जाने वाले हो तुम फ्रॉन से मुक़ाबला करने वाले हो लिहाजा तुम फ़्राउन से घबराना नहीं ये सारी की सारी तुम्हारे लिए मुतवफ़िर चीज़ें हैं जबकि ये सब छोटी है अभी हम तुम्हें इससे बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाने वाले हैं बड़ी आयात का मुशाह कराने वाले हैं बड़ी आयतें क्या हैं तो मुफसरीन निशाद फरमाते हैं कि जनाब मूसा के हाथ में जो असा था जब इस असा को दरियाए नीर पर मारते थे तो दरियाए नीर में रास्ता बन जाया करता फिर उसके बाद जो दूसरी निशानियां हैं वो निशानियां ये है कि अल्लाह ने जनाब मूसा के सामने फिराउन को गरक़याब कर दिया तो अल्लाह ने इन आयतों में जनाब मूसा की को तसली दी है जनाब मूसा को हौसला दिया है कि अब अमूसा तुम हमारी वहदानियत का अकरार करो और हमारी इबादत करो क़ैमत का यकीन रखो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारा मोनिसो मददगार सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ तुम इन जाहरी चीजों पर और ज़ाहरी अशिया पर भरोसा ना करना तुम खुदा वहदुल्लाशरीफ़ पर भरोसा करना क्योंकि तुम फ़िरऊन के मुकाबले में जाने वाले हो इनशा आगे की गुफ्तु जब जनाब मूसा फ़्र से मुक़ाबले के लिए जाते हैं तब अल्लाह ने जनाब मूसी को क्या क्या नसीहतें की और क्या उनको तसल्ली दी और क्या उनको तरीक़ा बताया इनशा आगे के दरस में बयान किया जाएगा वल्ला महमद वाल तबीन तहरी